वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं खुद को देख रहा था, सॉरी। मेरे लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, और इतना सजा के कैमरा के सामने बैठने का मेन रीज़न यही है कि मैं आपको बताऊँ कि कितना मैजिकल था वो मोमेंट जब मैं उससे मिला। उसने मेरी तारीफ है कि आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माय फीलिंग्स नाउ, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ रही। मैं बताऊँगा कि कैसे मैं मायाली से मिला, और खैर अभी इस वीडियो में आपको व्लॉग भी सारा मिलेगा, तो आई टेल यू हाउ आई मेट। हेलो हेलो, ये बहुत अमीर बंदा है, ये देखें, ये इसके अब्बू का है ये। तो सारिम जो है ना, बेसिकली ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ राइटर, तो जो भी मूवी आती है वो उसका रिव्यू करता है। ये लें, ये है वो मीसनी। मुस्तफा एक इंतहाई अनोइंग इंसान है। अच्छा, जो कि मेरे साथ मेरे इंटरव्यू पे आ गया और मुझे सिर्फ तंग किया। अच्छा, मुझे बता, तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता हूँ? श्योर। एंगल सही है? बहुत मोटा था? नहीं यार, नहीं। यार ये बहुत अमीर बंदा है, इसके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा आपको, इसके जिस्म पे पैसा लगा। तो मैंने कहा क्यों हो रहे हैं आप, और he's really cute and thank you so much. मुझे भी ये सीखना है ऐसे करके और ऐसे। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ सबकी। सो शी इज मायाली, को पता होगा। नो, अदनान हमारी फिल्म पर्यट लव एंड द सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो हम लोग इस्लामाबाद में आए हैं पर्यट लव की प्रमोशंस के लिए, एंड आई जस्ट मेट मुस्तफा थ्रू एमएचआर। आई हैव टू प्रोनाउंस लाइक दिस, व्लॉगर व्लॉगर व्लॉगर। तो मैंने ये बिलाल खान से सीखा है, जो कि आपको पता है सिंगर भी है। तो एक दिन बैठे कहते कैसे बोलते हैं, मैंने कहा व्लॉगर, तो क्या व्लॉगर क्या होता है हमारा व्लॉगर। तो बिलाल थैंक यू सो मच, और यार मैं सही बोल गई ना? मदिया उनके साथ आई हूँ, और हम मदिया को नहीं छोड़ने वाले। शहरयार इंटरव्यू कर रहे हैं नीचे अभी, और या सॉरी तो शहरयार इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा लेट्स टॉक मुस्तफा, फिर बात करते हैं। हाँ, मैंने से डिस्कस किया था कि कोई चैलेंज वगैरह कर लेंगे, लेकिन हाँ ग्लास तोड़ के दिखा, कोई नहीं कर सकता। मुझे तो मजा ही नहीं है। नहीं, पता क्या करो कि ग्लास को दांत से तोड़ के दिखाओ। आप करके दिखा रहे? नहीं, चैलेंज चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ, हम कुछ भी कर सकते। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा अपनी कजन्स, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो कोई आ रहा होता है कहीं जा रहा होता बाहर से। नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से भी। इतना क्या मतलब, आपको क्या लगता है हमारे पास बहुत पैसा है? हम लोग अम्मा क्यों नहीं, क्यों नहीं अम्मा जाओ, मेरे मुझे खुस्सा बहुत पसंद है, तो हमारे लाहौर में है एक दुकान, तो वहाँ पे अम्मा से कहते अम्मा जाओ ये मेरा शू साइज है, जाके मेरे खुस्से और चप्पलें ले। सो यस्टरडे वी वेंट टू फैसल मॉस्क एंड Maya was alone. She was all confident. हाँ, मैं चलूंगी बिल्कुल। Yeah, she was wearing a dupatta. She was wearing shades. But we went inside Faisal Mosque. Maya was like, हाँ हाँ चलते हैं। And I was like, Maya, जो भी पूछो उनको कहना हम मस्जिद में तो इंटरव्यू नहीं, मैं मस्जिद में पिक्चर नहीं ले सकते। तो ये सबूत है। उसके बाद हम लोगों ने कहा बहुत लेट हो गए हैं, अब दो तीन खावतीन आई, और मदिया ने बोला आह आपको नहीं पता हम अल्लाह के घर में आए हैं, और यहाँ पर तस्वीर नहीं ले सकते। आई वाज लाइक ओके मदिया, हाँ ये हाँ। तो उसके बाद हम लोग वापस आए और निकल रहे, तो उन्होंने लॉक किया हुआ था, खातून थी उन्होंने लॉक किया हुआ था दरवाजा, क्योंकि खावतीन और मर्द हजार की एंट्रीज हाँ जैसे थी, उन्होंने वो कह रही थी मैंने खोल ही नहीं है, दरवाजा नहीं खोला। इधर से हम लोगों ने लाइव जाना था रेडियो में, कह रही आप खोल दे, नहीं आप मुझे पता, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मगर मुझे इतना प्यार आया उनपे, और मैंने कहा अच्छा मुझे आप आ जाने थे, मैं कल आ जाऊंगी। और उसके बाद माशाल्लाह इतने लोग आए, इतना प्यार था, और मुझे मदिया ऑब्वियसली इनका काम है कि ये मुझे टाइम पे पहुंचाना, तो मैं सबसे सॉरी कहती जिनके साथ मैंने पिक्चर नहीं ली, बट मैं चीजें मेरे साथ तो लेंगी ना
सोचना पड़ेगा. नहीं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्योंकि मैंने पहले ड्रामा में देखा था सनम और उसके बाद तीफा इन ट्रबल एंड आई लव्ड इट. हर एक्टिंग इज लाइक अमेजिंग. फिर इन्होंने फैसल मॉस्क में लंच क्या किया आज का? हाँ, क्या लंच किया फैसल मॉस्क में? वो लंच तो नहीं था, बट वो लंच नहीं था, वो स्नैक्स थे. वो वुड बी कॉल इट सबूर. माया माया अली ने पापड़ खरीदे और खुद शायद थोड़ा सा खाया, बाकी सबको पूरा. अच्छा. no, मुझे मजा आता है ये जो स्ट्रीट फूड होता है लाइक आलू चना वगैरह. उनकी जान अगर आप मुझे लेके जाते हैं तो चलते हैं. चलते हैं. मेरे बगैर पिक्चर्स हो रही हैं. सही है, सही है. अहमद अहमद कौन है? सारिम. सारिम कहाँ जा रहे हैं? माया अली के साथ. माया अली के साथ लिफ्ट में. रमादा ने सिर्फ आज बनाई है. आज सीढ़ियां थी, पहले सीढ़ियां थी, मतलब सीढ़ियां चढ़ के आते जाते थे. यार क्या मैं बैठ सकता हूँ आपके साथ? क्या करते रहते जी? किसा बैठ सकते हो? चलिए आप. मजाक कर अच्छा यार आज आप बैठ जाओ. बाय बाय. इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड गुड लक फॉर द मूवी. फॉर द परेहट. लव. या बहुत सीरियस मैं सारिम का प्रमोशन करने वाला हूं. प्रमोशन ये है कि सारिम इज सिंगल रेडी टू मिंगल. तो अगर किसी को और अगर अगर कोई बहुत डेस्परेट है और कोई बहुत अकेला अपनी जिंदगी में, वो बस एक टेक्स्ट दूर है सारिम से. ये झाड़ियों में रहता है, पता है ये बंदा जो है ना झाड़ियों में रहता है. उसके घर जब पहुंचना होता है ना लिटरली इसको मैं भालू बुलाता. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस भालू. अगर आपको कोई भालू नजर आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि वो प्रॉब्ली सारे में होगा, अकेला घूम रहा होगा बेचारा मेरे बगैर, है ना? एक्ट्रेस के साथ. मतलब ओह माय गॉड, लाइक इनका जो लेवल है ना बहुत हाई है. मतलब हम इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते. चले जाओ, बाय. खैर तो डू गो एंड वॉच परे हट लव दिस ईद उल अज़हा एंड यू गाइस विल लव इट. आई होप यू गाइस लाइक्ड माय दिस मिनी वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस.